हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम जैसे नाम से क्लियर है, पॉइंटिंग साइंटिस्ट थे जॉन हेनरी पॉइंटिंग, उन्हीं के नाम पर ये थ्योरम आई। तो जॉन हेनरी पॉइंटिंग ने 1984 में कब दी ये थ्योरम 1884 में जे जॉन हेनरी पॉइंटिंग ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को ही हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। वो स्टेटमेंट क्या था? जैसे हम कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं, हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ी कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, दैट इज हैमिल्टोनियन कंजर्व रहता है। एक्स-रे डिफ्रेक्शन में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम हमारी कंजर्व रहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, वो कहती है कि एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक में पॉइंटिंग ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए एक स्टेटमेंट दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को ही हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है। पॉइंटिंग थ्योरम इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम यूज की बात करें पॉइंटिंग थ्योरम की, तो पॉइंटिंग थ्योरम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमें पावर कैलकुलेट करनी है, तो हम पॉइंटिंग थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे भी रेडिएशन आ रहे हैं सन से रेडिएशन आती है, हमारी बॉडी से टकराती है, हमारी बॉडी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी रेडिएशन जो एनर्जी आ रही है वो किसमें कन्वर्ट हुई, हीट में कन्वर्ट हुई। ऐसे ही जब, ये तो नॉर्मल बात होगी, लेकिन अगर एक सिस्टम पर किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी तो उसकी एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, वही पॉइंटिंग ने बताया। क्लियर? तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या था पॉइंटिंग थ्योरम का? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी में टाइम के साथ साथ इन ए गिवन वॉल्यूम जो चेंज होता है, डिक्रीमेंट होता है, वो इक्वल टू होता है किसके, सम ऑफ द चार्ज पर। जो किसी एक चार्ज लिया हमने किसी सिस्टम में, उस चार्ज पर हमने जो फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने जो फोर्स लगाया, उसके कारण जो वर्क डन होता है उसके, और जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्लो आउट होती है, यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उन दोनों के सम के बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट को ही हम क्या करने जाएंगे, अब ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक सिस्टम, एक हमें वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा, एक जो कि एनक्लोज हो थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो हमने एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, एक सरफेस ले लिया। ये सरफेस कैसा होगा आपका, ये सरफेस हमने एस ले लिया, और ये एनक्लोज सरफेस है, ये 3D वॉल्यूम है, स्पेयर हो सकता है ना। हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम किसमें होगा हमारा, 3D में होगा। और इसका हमने मान लिया कि इसमें जो वॉल्यूम एनक्लोज है वो V है। हमने माना इसमें क्या है, इसमें आपकी ये चार्ज है, कैपिटल N नंबर ऑफ चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल N नंबर ऑफ चार्ज है इसमें, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज है इसके अंदर, वो कैपिटल एन। ठीक है, हमने माना। अब हमने क्या किया, हमने इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस किसी एक चार्ज की बात कर रहे हैं अभी हम, एक चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, उस चार्ज की वैल्यू मैंने मान ली क्यू है, उस चार्ज पर उस फोर्स के कारण मान लिया वो चार्ज वी वेलोसिटी गेन करता है, और dl डिस्टेंस चलता है इन टाइम dt। हमने मान लिया कि चार्ज पर जब फोर्स लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा, तो वो dl डिस्टेंस चलता है इन टाइम dt। ठीक है भाई, चार्ज पर फोर्स लगा, हमने इधर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर इंसिडेंट की हमने, इस सरफेस पर चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाती है, चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी गेन कर लेता है, डीएल टाइम में वो
डी डी डिस्टेंस चलता है। ठीक है भाई, तो हेयर डेरिवेशन, यहां पे हेडिंग डाल देंगे हम डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हेयर वी कंसिडर ए क्लोज एट इट्स वॉल्यूम, हेयर वी कंसिडर ए वॉल्यूम बी एनक्लोज्ड enclosed by the surface S। हमने माना कि एक हमने वॉल्यूम कंसिडर कर लिया अभी, जो कि एक सरफेस S से एनक्लोज है, और ये सरफेस कैसा होगा हमारा, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये सरफेस थ्री डायमेंशन होगा, लाइक स्पेयर, हमने इस शेप में ऐसे बना दिया, ऐसे का ये नहीं कि हमारा इस जो सिस्टम है सरफेस है वो इस टाइप का। क्लियर है भाई? तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है भाई, सरफेस एस, देन इट इंटरैक्ट विद द चार्ज क्यू, चार्ज क्यू से इंटरैक्ट करती है, तो चार्ज क्यू गेट्स ए वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी एक्वायर कर लेता एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस डीएक्स इन टाइम डी। हमने मान लिया कि डीटी टाइम में वो डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सो दैट, तो डीएल इक्वल टू कितना हो गया आपका वी डीटी, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है भाई, नाउ अब हम इसमें फोर्स लगाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, इसमें फोर्स लगा दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डीएल डिस्प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही है, इस पर वर्क कर रही है, देन या नाउ, नाउ वर्क डन ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण चार्ज पर वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन इक्वल टू आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसे नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। नाउ टोटल फोर्स acting on charge Q due to electromagnetic wave is, या हम कह सकते हैं that is Lorentz force, कितना होता है हमारा F equal to force due to electric field plus force due to magnetic field। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कितना होता है हमारा QE, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमारा Q V क्रॉस B। क्लियर है, तो ये हमारा टोटल फोर्स आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, थर्ड आ गई। अब इस फोर्स की और जो डिस्टेंस चल रहा है dl, जो हम इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू निकाली थी, डिस्टेंस इक्वल टू वी डी टी, इन दोनों वैल्यूओं को हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। नाउ वर्क डन बिकम डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये फोर्स क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएल, और डीएल की वैल्यू कितनी है हमारी बी डी टी, बी डी। क्लियर है भाई? नाउ
ब्रैकेट को आप ओपन कर दोगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ई डॉट वी डी टी प्लस क्यू बी क्रॉस बी डॉट बी इंटू डी टी. क्लियर है आपके? ये वैल्यू बी क्रॉस बी डॉट बी कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो, क्योंकि वेक्टर आइडेंटिटी है. अगर मैं वेक्टर आइडेंटिटी की बात करूं अकॉर्डिंग टू वेक्टर आइडेंटिटी हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास है ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ए क्रॉस सी डॉट बी के बराबर होती है. तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी v क्रॉस b डॉट b. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? v क्रॉस b डॉट b, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट. v वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों क्या डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? एंगल इज थीटा इक्वल टू जीरो, और थीटा इज जीरो तो साइन थीटा साइन थीटा साइन जीरो इज साइन थीटा भी कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो. ए क्रॉस बी हमें पता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है हमारा? ए बी साइन थीटा, और ए बी क्रॉस बी 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 साइन थीटा, और थीटा कितना हो गया? जीरो. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी. तो सो दैट आपका वर्क डन कितना बचेगा? इक्वल टू क्यू ई डॉट वी डी. क्लियर है भाई? आपका कितना बचेगा? क्यू ई डॉट बी डी टी. ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी आपकी? क्यू बी क्रॉस बी डॉट बी इक्वल टू, इसे क्या ले सकते हैं हम? क्यू बी क्रॉस बी डॉट बी इक्वल टू जीरो. तो वो टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी. ठीक है भाई? तो हमारा ये यहां पर वेक्टर रह गया आपका, ये वेक्टर है. अब देखो भाई, इसको हम दूसरे मेथड से भी सकते हैं. हमें पता है कि ए क्रॉस बी कितना होता है हमारा? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप. अगर मैं इस बी क्रॉस बी की बात करूं, ये जो आपका बी क्रॉस बी है, और बी क्रॉस बी क्या हो गया आपका? ये बी क्रॉस बी, और एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी. एन कैप क्या हो गया? अगर मैं बी क्रॉस बी की बात करूं तो ये जो एन कैप है बी क्रॉस बी में, एन कैप क्या हो जाएगा? ये बी है, ये बी है, एन कैप क्या हो गया? ये हो गया. और एन कैप इसकी जगह ये एन कैप आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लोगे आप? वेलोसिटी से लोगे. तो ये आपका एन कैप हो गया, ये आपकी वेलोसिटी होगी. दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90. और दोनों के बीच में क्या है आपका? डॉट प्रोडक्ट. उस तरह से भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि 90 हो गया, और a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहां पर आपका 90 हो गया, क्योंकि b क्रॉस b की वैल्यू डायरेक्शन ये होगी एन कैप की, और वेलोसिटी इधर है आपकी. दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया, कॉस 90 आपका 0. तो ये यहां से b n डॉट b भी आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं. ठीक है भाई? अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ वर्क डन. तो dt को क्या करें हम? इधर ले आए तो हमें क्या मिल जाएगा आपका? dw ओवर dt इक्वल टू क्यू ई डॉट बी. इक्वेशन नंबर हमारी आ जाती है ये 4. क्लियर है नहीं? अब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन ड्यू टू सिंगल चार्ज. हमने यहां पर माना था शुरू में, हमने कंसीडर किया था कि हेयर एन कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अगर आपके कैपिटल एन नंबर ऑफ चार्ज हैं एक यूनिट वॉल्यूम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? डी डब्ल्यू ओवर डी टी इक्वल टू एन क्यू ई डॉट बी. क्लियर है? एन क्यू ये क्या हो गया? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्या हो गया? एन क्यू क्या हो गया यहां पर? एन क्यू हो गया आपका टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. और ये क्या होता है आपका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो. टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो एन क्यू इज द रो. यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी इक्वल टू कितना आ गया आपका? रो ई डॉट बी.
ठीक है भाई। अब रो फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, E डॉट रो B, हम कॉन्स्टेंट है रो, स्केलर क्वांटिटी है, हम इसके अंदर लेके कोई फर्क नहीं पड़ता किसी वेक्टर पर अगर इसमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करें, तो हमने इस तरह से लिख दिया। और हमें पता है रो भी कितना होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू कितना होता है आपका रो बी, जे इक्वल टू कितना होता है आपका रो बी। तो ये इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ई डॉट जे, कितना आ जाएगा आपका E डॉट J, इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इधर साइड में बता देता हूं आपको, J चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपकी, करंट पर यूनिट वॉल्यूम, करंट को क्या ले सकते हो आप, या चेंज इन करंट स्मॉल के लिए ले लो, तो करंट को क्या ले सकते हो चार्ज पर करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट करंट को क्या ले सकते हो आप चार्ज पर यूनिट टाइम, तो डी क्यू ओवर डी डी इंटू डी, चार्ज को ये डी क्यू आ गया आपका, चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हो आप रो डी वी, तो रो डी वी अपॉन डी 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 ए, ठीक है। और आप जे इक्वल टू रो एज इट इज डी वी को क्या लिख सकते हो डी ए इंटू डी एल अपॉन डी ए डी डी इंटू डी ए, तो डी ए से डीए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, क्या बचेगा रो डीएल ओवर डीटी, रो डीएल ओवर डीटी, डीएल ओवर डीटी क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, तो जे इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा रो बी। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। पॉइंट और यहां पर ध्यान से देखो नोट करने से पहले कि इसको हम एक दूसरे मेथड से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं भाई, जे इक्वल टू आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जे इक्वल टू कितना होता है आपका एन ई वी, बीडी बोल दो आप एन फॉर ए कंडक्टर, और यहां से आप देखोगे एन ई वी ये आ गया, अगर हम इसे क्या ले सकते हैं ई डॉट एन क्यू वी, तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एन क्यू वी, तो यहां से भी क्या जाएगा आपका ई डॉट जे। तो आपको इस मेथड से ना करके कि जे इक्वल टू रो बी या फिर ये करके आप डायरेक्ट यहां से एन ई वी करके और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करके और यहां से जे की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर आगे बात करते हैं हम, दिस इज द एनर्जी चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। नाउ अगर हम बात करें चेंज इन एनर्जी या एनर्जी एनर्जी पर यूनिट टाइम इन वॉल्यूम V, जो हमने वॉल्यूम लिया, अगर उसमें हम इसकी बात करें तो कितनी हो जाएगी, हम इसे क्या ले सकते हैं dW ओवर dt इक्वल टू V E डॉट J dV, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया इसको कि जो वॉल्यूम हमने सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम एनक्लोज माना था V, उसमें इस चेंज इन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी E डॉट J dV, क्लियर है। एक बहुत थ्रो आउट होल ये जो सिस्टम माना था इस पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में इस वर्क एनर्जी चेंज इन एनर्जी विद टाइम कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी, ठीक है भाई। अब इन्हें डेरिवेशन दिया वो मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज किया, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपकी कर्ल ई डेल क्रॉसी, कर्ली को क्या लिखते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉसी इज द कर्ली, कर्ल इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन है आपकी कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से देखोगे इक्वेशन को, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ई से भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का बी भी आ रहा है एच भी आ रहा है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को या तो ई की टर्म में लिख लें या बी की टर्म में या ई की टर्म में या डी की टर्म में या बी की टर्म में या एच की टर्म, यानी कि सबको या मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन एक दे दें और इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन एक दे, उसके लिए वी नॉट एच बी इक्वल टू कितना होता है हमारा वी नॉट एच, और D इक्वल टू कितना होता है
एप्सिलॉन नॉट ई। तो बी की जगह हम क्या प्लेस पे रख दें, बी नॉट एच, और डी के प्लेस पे क्या रख दें, एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू, जब बी की जगह म्यू नॉट एच रखोगे और म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, वो ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी। इस इक्वेशन की बात करें तो डेल क्रॉस एच, हम एच की टर्म में लिख रहे हैं इसको, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे, जे एज इट इज रहेगा आपका, प्लस डी, डी की वैल्यू क्या रखोगे आप, एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट, एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 9 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। अब यहां पर आपको एक बात बिल्कुल मेमोरी में, साफ मेमोरी में रखनी है अपनी, कि यहां पर हम एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्योंकि पॉइंट वो वेक्टर आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है उसको देखो, अकॉर्डिंग टू हमें पता है एक वेक्टर आइडेंटिटी है डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसको याद करना कैसे, ये मान लो कि ये कोई लाइन लगी हुई है, मान लो हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या टिकट की लाइन लगी हुई है, मूवी देखने जाते हैं या फिर कुछ फ्री बट रहा है, तो उसकी एक लाइन लगी हुई है, तो इसको याद करने के लिए लाइन लगी हुई है, बी सबसे आगे है, तो जो सबसे आगे है सबसे पहले किसका नंबर आएगा, जो सबसे आगे है, तो जो सबसे आगे है उसे सबसे पहले लिख दो, इसको मिल गया ये बाहर आ गया, तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो इसके साथ डॉट है, ब्रैकेट वाले के साथ क्या है डॉट है, तो डॉट आ गया, बचा हुआ जो भी बचा आपका उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो, यानी कि डेल क्रॉस ए माइनस, अब दूसरे नंबर पे कौन है, ए है, तो अब किसका नंबर आएगा आपका, ए का नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट डेल क्रॉस पी, सिंपल, ठीक है भाई। आपने क्या किया, जो सबसे पहले है उसे सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, बचे हुए को क्रॉस के साथ लिख दिया, फिर जो दूसरे नंबर पे उसका नंबर आएगा, फिर दूसरे को लिख दिया और उसका फिर बचे हुए का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये वेक्टर आइडेंटिटी है। इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम पॉइंटिंग थ्योरम ड्राइव कर रहे हैं और पॉइंटिंग ने एक पॉइंटिंग वेक्टर दिया जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ई क्रॉस एच, पॉइंटिंग ने एक वेक्टर दिया जो कि कहता है ई क्रॉस एच, अगर हम इस वेक्टर आइडेंटिटी में ए को रिप्लेस कर दें ई से और बी को रिप्लेस कर दें एच से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डेल डॉट E क्रॉस H इक्वल टू H डॉट डेल क्रॉस E माइनस E डॉट डेल क्रॉस H। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड में E क्रॉस H आ गया क्योंकि पॉइंटिंग ने दिया, तो पॉइंटिंग वेक्टर है, ये वैल्यू आनी आनी थी, डेल क्रॉस E और डेल क्रॉस H ये यहां पर ऑलरेडी इक्वेशन 9 और 10 में गिवन है, तो इस 9 और 10 की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 एंड 10, तो हमें क्या मिलेगा, डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू एच एज इट इज डॉट डेल क्रॉस ई की वैल्यू माइनस मी नॉट डेल एच ओवर डेल टी माइनस ई डॉट एज इट इज डेल क्रॉस एच की वैल्यू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। क्लियर है भाई, ब्रैकेट को आप ओपन कर दो, नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल टू माइनस मी नॉट, क्योंकि मी नॉट कॉन्स्टेंट है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट पे, तो हमने क्या ले सकते हैं इसे, मी नॉट एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी माइनस इसको क्या ले सकते हैं ई डॉट जे माइनस एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया ई डॉट डेल ई ओवर डेल टी। क्लियर है भाई, अगर मैं बात करूं इस टर्म की और इस टर्म की, इसे इक्वेशन नंबर 11 डाल दो, अगर मैं बात करूं इस टर्म की और इस टर्म की, अगर मैं इस टर्म को मॉडिफाइड करूं तो आपको एक बात पता है कि अगर मैं बात करूं डेल ओवर डेल टी ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहूं
कि डेल ओवर डेल टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका 2x डेल एक्स ओवर डेल टी। आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर को 2 times 2x हो जाएगा nx x की पावर n माइनस 1 into del x over del t। अगर आप इस टर्म को देखोगे इसको mu naught को छोड़ दो आप इसको देखो तो ये क्या आ गया h dot del h over del t, यानी कि अगर मैं 2 को हटा दूं यहां से तो क्या आया h del h over del t, h del h over del t। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं del over del t h square, del over del t h square। किसकी कमी है आपके पास 2 की कमी है तो यहां पर क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो मैं इसको लिख सकता हूं h dot डेल एच ओवर डेल। देखो भी एक और बात यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है जो एच की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है आपकी डेल एच ओवर डेल टी, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन है तो दोनों के बीच में क्या कितना एंगल हो गया जीरो, दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया जीरो। और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा से कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं विदाउट वेक्टर क्वांटिटी विदाउट डॉट के लिख सकता हूं एच डेल एच ओवर डेल टी। ये बात समझने वाली है भाई यहां पर कि मैं एच डॉट डेल एच ओवर डेल टी को एच डेल एच ओवर डेल टी क्यों लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और यहां पर एच ए वेक्टर है डेल एच ओवर डेल टी बी वेक्टर है दोनों की सेम डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना होगा यहां पर दोनों के बीच में जीरो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट से क्या लिख सकता हूं मैं एच डेल एच ओवर डेल टी। अब इससे कंपेयर करो इसमें किसकी कमी है आपके पास टू की कमी है तो आप क्या करो टू से मल्टीप्लाई करो और टू से डिवाइड कर दो एच डेल एच ओवर डेल्टी। ठीक है भाई टू से मैंने मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया इस टर्म को और इस टर्म को देखो अगर h को x से रिप्लेस कर दोगे 2h डेल h ओवर डेल टी 2x डेल x ओवर डेल टी तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 बाई टू तो एच इट इज बाहर रहेगा आपका 1 बाई टू तो बाहर रहेगा ये 2h डेल h ओवर डेल टी को मैं यहां से थोड़ा रफ कर रहा हूं इसे क्या लिख सकता हूं मैं डेल ओवर डेल टी h स्क्वायर। ठीक है भाई इसको क्या लिख सकता हूं मैं डेल ओवर डेल टी h स्क्वायर। आप डिफ्रेंशिएट करो h स्क्वायर को क्या आएगा 2h 2 से 2 कट जाएगा तो ये टर्म मिल जाएगी आपको। सिमिलरली इस वाली टर्म को e डॉट डेल ई ओवर डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाई टू डेल ओवर डेल टी ई स्क्वायर। ठीक है दोनों वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में यहां तक आप नोट डाउन कर दो तो हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई डेल डॉट ई क्रॉस। ठीक है भाई इक्वल टू इसकी जगह क्या आ गया माइनस वी नॉट बाई टू डेल एच स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डेल ई स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर माइनस जे डॉट। ठीक है भाई इस जे डॉट ई को इधर ले आओ और इस टर्म को आप उधर ले आओ या फिर इस टर्म को आप इधर ले आओ तो डेल डॉट ई क्रॉस एच इक्वल अगर मैं इसको इधर ले आऊं पहले तो ये क्या हो जाएगा प्लस म्यू नॉट अपॉन टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी ये स्क्वायर नहीं है भाई प्लस एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू डेल स्क्वायर ई सॉरी डेल ई स्क्वायर ओवर डेल टी ये भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है इक्वल टू माइनस का जे डॉट। ठीक है इसको म्यू नॉट भी कॉन्स्टेंट है टू भी कॉन्स्टेंट है ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके इनसाइड ले जा सकते हैं ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट अपॉन टू को तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच प्लस डेल ओवर डेल टी हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल टी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जे डॉट। ठीक है हमें पता है हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस यू बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट
h square and v and q e equal to half epsilon naught e square. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, डेल डॉट e क्रॉस h इक्वल टू डेल ओ प्लस डेल ओवर डेल t u e प्लस डेल ओवर डेल t u, ये सॉरी ये पहले b है तो u b लिख लो और u e है तो u e, ठीक है, इक्वल टू माइनस का j डॉट e. इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट e क्रॉस h प्लस डेल ओवर डेल t यू बी प्लस यू ई, हमें पता है हम सदरों के साथ साथ लिख सकते हैं ना, क्योंकि डेल ए प्लस बी डेल ओवर डेल टी ए प्लस बी इक्वल टू डेल ए ओवर डेल टी प्लस डेल बी ओवर डेल टी, तो उस तरह से हमने इसको लिख दिया इक्वल टू माइनस जे डॉट, ठीक है भी? और टोटल एनर्जी हम कह सकते हैं स्लैट यू बी द टोटल एनर्जी, तो यू इक्वल टू यू बी प्लस यू ई, हमने मान लिया कि यू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले मैं इसे लिख लू माइनस जे डॉट ई इक्वल टू डेल डॉट ई क्रॉस एच प्लस डेल ओवर डेल टी यू, ठीक है नहीं? अब चूंकि हम क्वेश्चन नंबर 12, चूंकि जब हम बात करते हैं तो हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, हम शुरू में मान के चले थे हियर वी कंसीडर ए सरफेस एक्स व्हिच एनक्लोज ए वॉल्यूम बी, तो इस इंटीग्रेशन को हमें टोटल वॉल्यूम के थ्रू एनर्जी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को थ्रू होल वॉल्यूम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे वॉल्यूम के थ्रू एनर्जी निकाले तो इंटीग्रेटिंग विद वॉल्यूम बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का जे डॉट ई टीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल डॉट ई क्रॉस एच प्लस इंटीग्रेशन डेल यू ओवर डेल टी इंटू टी. अब अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल इज चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल विद डाइवर्जेंस, तो और डाइवर्जेंस के साथ अगर वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसमें किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम सरफेस इंटीग्रल में, तो यहां पर डाइवर्जेंस के साथ क्या है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो उसे किस में चेंज कर सकते हो आप सरफेस इंटीग्रल में, लेकिन यहां से क्या ये डाइवर्जेंस जो है डेल डॉट ये आपका हट जाएगा, तो इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को इसमें अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा डेल डॉट ई क्रॉस एच डीबी इक्वल टू ई क्रॉस एच और इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है भाई, ये आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया, ये आपका वॉल्यूम, ये आपका सरफेस, ये वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी आपकी माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल j डॉट e dv इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं हम सरफेस इंटीग्रल e क्रॉस h dx प्लस इंटीग्रेशन du ओवर dt इनटू t, क्लियर है भाई? अब दिस इज द इक्वेशन नंबर 30 व्हिच इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम फॉर व्हिच डिफाइन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जबकि हम ऑलरेडी जे डॉट ई डी बी को इक्वेशन नंबर 5 में हम प्रूफ कर चुके हैं इंटीग्रेशन जे डॉट ई डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो यहां पर पुट करने के बाद इसे नोट डाउन कर लो भाई, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dw ओवर dt, माइनस नहीं है माइनस का dw ओवर dt इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल e क्रॉस h ds प्लस का du ओवर dt इनटू dv, एंड दिस इज द
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंटिंग थ्योरम। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें पॉइंटिंग थ्योरम के, तो ये टर्म हमें क्या बता रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डिक्रीमेंट, माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहां पर, माइनस साइन यहां पर शो कर रहा है कि एनर्जी में टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है। और जो इतनी एनर्जी डिक्रीज कर रही है आपकी, जितनी एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन वॉल्यूम वी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी में चेंज इन वॉल्यूम वी प्लस पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो हमने ई क्रॉस एच लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्लियर है? तो दिस, अगर मैं बात करूं कि इस टर्म की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, तो इस टर्म का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी विद टाइम। ठीक है भाई, इस टर्म की बात करें, इस टर्म का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, इस टर्म का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? इस टर्म का चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद टाइम इन वॉल्यूम डीवी। तो ये हम इन तीनों टर्म के, अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछता है तो इनका, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, मैं लिख ही देता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर पहली टर्म की बात करें तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी इन वॉल्यूम भी, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहां पर, डिक्रीमेंट। ठीक है, इसकी बात करें, इसको हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, E क्रॉस H इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, U इज द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक एनर्जी विच इज द सम ऑफ एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी इन वॉल्यूम V। क्लियर है भाई? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटिंग थ्योरम। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है आपका तो कमेंट करें। थैंक यू।